और भीषण गर्मी में हजारीबाग जिले में पानी की समस्या विकराल रूप ले रही है। कई जगहों से पानी संकट की तस्वीरें सामने आ रही है। नगर निगम क्षेत्र में कई ऐसे जगह हैं जहां पर पानी की समस्या से लोग काफी त्रस्त नजर आ रहे हैं। उन्हें या तो दूर काफी दूर से जाकर पानी लाना पड़ रहा है या तो फिर उन्हें पानी नसीब ही नहीं हो रही है। देखिए, बारिश स्कोप देख रहे हैं आप और हम हैं शशांक। अभी हम मौजूद हैं हजारीबाग के कोलघट्टी क्षेत्र में और यहाँ पर प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के लाभुक रहते हैं, जिन्हें आवास बनाकर यहाँ पर आवंटित किया गया था। यहाँ पर वैसे लाभुक हैं जिन्हें प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत आवास मिला हुआ है, लेकिन हम अभी यहाँ मौजूद इसलिए हैं कि यहाँ पर पानी की समस्या काफ़ी विकट रूप ले चुका है। इस आवास योजना में बात करें तो 288 फ्लैट हैं और 288 परिवार यहां रहते हैं, लेकिन बात करें पानी की तो इस पूरे ब्लॉक में 8 ब्लॉक हैं, 288 आवास हैं, लेकिन सिर्फ एक बोरिंग है जो यहां काम कर रहा है, वो भी पूरे इस 288 परिवार के लिए सफिशियंट नहीं हो पा रहा है। महिलाओं की भीड़ दिख रही होगी आपको, जो एक बोरिंग है उससे पानी लेने के लिए यहाँ लोग पहुँचे हुए हैं। हम जानते हैं इन्हीं से कि कितना तकलीफ हो रहा है। क्यों आई हैं यहाँ? पानी नहीं था इसलिए हम लोग यहाँ कपड़ा धोने के लिए आए थे। कितना तकलीफ है सर? पानी तो बहुत तकलीफ है, नहाने के लिए पानी नहीं मिलता, ना खाना बनाने के लिए मिलता है, ना वॉशरूम यूज करने के लिए मिलता है, पीने के लिए तक नहीं मिलता है। पीने के लिए हम लोग बाहर से खरीदते हैं। कैसे चल रहा है जिंदगी? जिंदगी तो वही ढोना पड़ रहा है, पानी पानी उठा के ले जाते हैं यहाँ से तो यूज करते हैं। फ्लैट भी काफी अगर ऊपर हो तो कैसे? ऊपर हो तो माथा में ले जाते हैं, क्योंकि माथा में थोड़ा आसानी होता है, हाथ में थोड़ा छाल उल पड़ जाता है, जिसके कारण माथा से ले जाते हैं हम लोग। तो देखिए, कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे जानते हैं। देखिए, लोग पानी लेकर यहाँ से जा रहे हैं, अपने आवास तक जाते हैं। महिलाएं यहाँ पानी लेने के लिए पहुंची हुई हैं। एक यही बोरिंग है जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। पूरे 288 परिवारों के लिए एक यही बोरिंग है जो काम कर रहा है, और इसी के सहारे इस पूरे प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के जितने भी लाभुक हैं वो गुजर बसर कर रहे हैं। कितना तकलीफ हो रहा है? बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत, बहुत दिक्कत है, परेशानी है। कैसे चल रहा है जिंदगी? जिंदगी बोलिए तो एक होता है ना कि रेंग के चलना, वो हो रहा है, दौड़ के नहीं चल रहा है। पानी के वजह से जो आदमी सुबह ड्यूटी जाने वाला है उसको 1 घंटा लेट होना पड़ रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है उसको लेट होके जाना पड़ रहा है। आपस में हम लोग प्यार से रह रहे तो वो झगड़ा हो रहा है। यहाँ बहुत तरह का बात हो रहा है पानी की वजह से। और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं। बाल्टी लेकर आई हैं। कितना तकलीफ हो रहा है? बहुत तकलीफ हो रहा है। बच्चा लोग तो वॉशरूम जाता है, इतना महकता है कि हद से ज्यादा। नगर निगम फ्लैट दे दिया लेकिन पानी की सुविधा नहीं दिया है, लेकिन हम लोग नरक की जिंदगी जी रहे हैं पानी के बगैर। क्या कहिएगा नगर निगम से? क्या कहेंगे? पानी चाहिए, और नहीं तो पैसा वापस करे, पैसा वापस दे और अपना मकान ले लें। कुछ और भी लोग हैं। कितना जिंदगी तकलीफ में गुजर रहा है? तकलीफ में, बहुत कष्ट में है। पानी के बिना जीना मुश्किल हो गया है। एक ही बोरिंग है पूरे इस ब्लॉक में? जी, एक ही बोरिंग है। 288 परिवार कैसे रह रहा है? देखिए, सामने देखने का चीज है किस तरह रहे, बहुत मुश्किल से रह रहे हैं। क्या चाहते हैं? चाहते हैं पानी, चाहते हैं और क्या चाहेंगे। तो देखिए, यहाँ के रहने वाले लोग हैं जो एक इसी बोरिंग के सहारे पूरी ज़िंदगी इनकी कट रही है। ये लोग चाहते हैं कि नगर निगम इसमें पहल करे। हम नगर निगम के अधिकारी से भी जानना चाहेंगे कि उनके द्वारा क्या कुछ प्रयास किया जा रहा है। बाल्टी लेकर यहाँ आए हैं? हाँ, बाल्टी लेकर आए हैं। मैंने 288 है, पानी नाम का कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। कैसे कट रहा है ज़िंदगी? ज़िंदगी माने बेकार है। नगर निगम हम लोग को ऐसा बेवकूफ़ बनाया है कि उसका कोई जवाब नहीं है। देखिए, लोगों में आक्रोश भी है और लोग नगर निगम से इस पर व्यवस्था चाहते हैं। क्या चाहते हैं इसका सॉल्यूशन निकाले? नगर निगम आवंटन हम लोग को किया है क्वार्टर, तो इसका समुचित व्यवस्था करें ना। हम लोग को लाके तो यहाँ फंसा दिया है। पानी का हाहाकार है, एक बोरिंग के भरोसे 288 फ्लैट चल रहा है, कैसे आपूर्ति हो पाएगी? अच्छा, ये समस्या सिर्फ अभी गर्मी में है कि नहीं? हमेशा ये बरसात में बहुत हद तक इतनी समस्या नहीं रहती, लेकिन जाड़ा और गर्मी में ज्यादा समस्या ये बना हुआ है। हम आपको बता दें,
एक बोरिंग के सहारे 288 परिवार है, यानी कि ये समस्या बरसात में थोड़ी तो कम होती है लेकिन जाड़ा और गर्मी में लगातार यहाँ बरकरार रहता है। यहाँ के लोगों में आक्रोश भी है और लोग नगर निगम से इस पर उचित व्यवस्था भी चाहते हैं। नगर निगम के अधिकारी से भी हम जानते हैं कि क्या कुछ उन्होंने इस पर कहा है, क्या उनका इस मामले में सॉल्यूशन निकालने का प्रयास किया जा रहा है। BMY का एक बढ़िया सोसाइटी बना हुआ है, 284 से ज़्यादा लोग वहाँ पर रह रहे हैं। ड्राई जोन है, फिर भी वहाँ पर डीप बोरिंग है, 10 से ज़्यादा डीप बोरिंग कंसेशनर ने कराया था। इसमें तीन चार फंक्शनल हैं जिनसे काम चलता है। अभी हम लोगों ने वहाँ तक पाइपलाइन बिछवा दिया है जो हमारे ये हजारीबाग पेयजल आपूर्ति योजना के तहत है LNT द्वारा। निकट भविष्य में हम लोग उसको सप्लाई वाटर सिस्टम से जोड़ेंगे। वर्तमान में हम लोग पर डे दो दो टैंकर पानी वहाँ पर भिजवा रहे हैं और जो वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उसके अतिरिक्त आवश्यकता यदि पड़ेगी तो और भी पानी के टैंकर से हम लोग तात्कालिक रूप से पेयजल आपूर्ति समस्या का निराकरण करेंगे, लेकिन अंततः सप्लाई वाटर सिस्टम से उसको जोड़ने की व्यवस्था की जा रही है जिसके तहत पाइपलाइन वहां तक बिछा दिया गया है। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है नगर आयुक्त ने, उन्होंने कहा है कि इस मामले पर संज्ञान लिया गया है तथा पेयजल आपूर्ति से पाइपलाइन से वहाँ पानी की आपूर्ति प्रोवाइड करने के प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ अभी वैकल्पिक तौर पर नगर निगम के टैंकर के द्वारा वहां पानी पहुंचाया जा रहा है, भविष्य में पाइपलाइन के द्वारा वहां पर पानी पहुंचाया जाएगा। चूँकि जो ये प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के लाभुक वहां रहते हैं वो ड्राई जोन में फ्लैट बने हुए हैं, इसलिए पानी की वहाँ समस्या है। अब देखना यह होगा कि कब तक उन लाभुकों को पानी मिल पाता है और उनकी यह समस्या दूर हो पाती है। शशांक शेखर, न्यूज़ 22 स्कोप।